नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद मोर्चा और जनमंच खबर का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें अलग अलग विषयों पे बार बार चर्चा होती है। वर्तमान में महाराजगंज के स्टेडियम में हैं हम, और यहाँ पे एक प्रतियोगिता चल रही है। एक अलग तरह की प्रतियोगिता है, एक अलग तरह का खेल है। शायद उसके बारे में जानकारी आपको भी ना हो और आपने देखा ना हो, लेकिन जिस तरह से अलग अलग परंपराएं, अलग अलग सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं, उनके खेल और उनकी पद्धतियां सामने आती हैं। हमारे साथ इस खेल के एक तरह से कहें तो इंडिया में फाउंडर और उसके एसोसिएशन के सदस्य हैं विवेक जी, और मैं क्या बताऊं इस खेल के बारे में, जितनी कम जानकारी है। और आपसे ही सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है इस खेल का मोटिव, कैसे शुरुआत हुई और कैसे आप इसमें आए। सर, मेरा नाम विवेक मॉन्ट्रोज है और इसको अंग्रेजी भाषा में बूमरैंग कहते हैं। इसका हिंदी नाम या कोई और नाम से तो मैं इसको नहीं जानता, और पूरे दुनिया में इसको आदिवासियों के हाथ में आपने भी देखा पढ़ा सुना होगा। और इंडिया के आदिवासियों में गोंड जो कम्युनिटी है, उस गोंड कम्युनिटी के मोगली के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है। मोगली जो था वो सिवनी ज़िले का एक रहने वाला बच्चा था, जिसके बारे में पूरी वो जंगल बुक की कहानी बनी, और उसी समाज से बिलोंग करते हैं ये हमारे सुनील उइके, जो इस चीज़ में आए हैं। ये बूमरैंग मुझे पहली बार मिला था 84 में मेरी आंटी के द्वारा, और उस समय तो मुझे इसको चलाना नहीं आता था। बस 91 में मुझे मेरे गुरु से मुलाकात हुई, जिनका कि ये बना हुआ है, इनका नाम कैन कॉलबंग था और ये आदिवासी थे ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने देख करके इलाहाबाद में घर पे इस बूमरैंग को पूछा कि इसे कौन चलाता है, और उसके बाद फिर मैंने बोला चलाता तो नहीं हूँ। उन्होंने मुझे चलाना सिखाया, और उसके बाद जो इस चीज़ का क्रेज़ चालू हुआ तो वो ऐसा चालू हुआ कि ये बढ़ता ही चला गया। उस समय मैंने काफ़ी इस चीज़ को करा, और ऑस्ट्रेलिया में 1995 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बूमरैंग थ्रोअर को करीब मैंने 12-13 हज़ार बच्चों के बीच में उसके साथ एक फन मैच करके जीत गया, जिसके बाद मेरा काफ़ी प्रोपागेंडा वहाँ पे हुआ न्यूज़पेपर्स में, और कुछ आर्टिकल्स मेरे साथ अभी भी हैं। तो वहाँ पे कुछ बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें से कि एक गोंड बच्चा था। वो बात मेरी पहुँची यहाँ आपके भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वहाँ तक। वहाँ के डायरेक्टर साहब ने ढूंढ करके मुझको निकाला, मेरे गुरु को, और हम लोगों को इनवाइट किया गया। इनवाइट करने के बाद हमारा वहाँ पे बकायदा वर्कशॉप चला 1 वीक का, जो आगे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उसको एक्सटेंड करके 1 महीने का कर दिया गया। और उसके बाद इंडिया टुडे में आर्टिकल निकला, फिर थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस आने के बाद ये वो दोबारा कम बैक इसी चीज़ को लेकर 2018 में हुआ, जिसके बाद तो ये सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि मैं 19 में पहली बार कंट्री को रिप्रेजेंट करने इस फील्ड में ऑस्ट्रेलिया गया, और वहाँ से आने के बाद और ज़्यादा जोश जिसे कहते हैं वो भर चुका था। इसके बाद मैंने ये वो करा कि अब मैं अपने इंडिया में ही इस चीज़ का एसोसिएशन बनाऊंगा, और मेहनत करनी चालू हुई, बच्चों को सिखाना चालू हुआ। आज 15 से ज़्यादा स्टेट में इस चीज़ को पहुँचा चुका हूँ, 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हाल ही में पिछले साल नवम्बर में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बूमरैंग एसोसिएशन से मान्यता भी प्राप्त हो गई, और उसके बाद अभी वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2022 के अगस्त में, 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच अपनी टीम का गठन भी कर चुका हूँ। टीम पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने फ्रांस जा रही है। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। भारत की बहुत सारी ऐसी परंपराएं, ऐसे खेल हैं, जैसे अभी तरह से कह लें कि अपने वेस्टर्न यूपी में गिल्ली डंडा चलता था, धीरे धीरे शायद अगर उसको भी लोगों ने प्रमोट किया होता तो आज उस लेवल पे होता, जैसे कबड्डी को प्रमोट किया और आज उस लेवल पे आज रास्ते में आगे चल रहा। आदि वैसे ही आदिवासियों का धनुष बाण आज आर्चरी के नाम से जाना जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे खेला जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये आदिवासियों की विलुप्त कला बूमरैंग, जो कि आज करीब 40-42 कंट्रीज इसको एज अ स्पोर्ट खेल रही हैं, बाकायदा इसका भी इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि जर्मनी होल्ड करता है। हाँ, कुछ हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस फील्ड में ऑस्ट्रेलिया से पूरे 50 साल पीछे चल रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है। जैसे क्या है, किसी भी स्पोर्ट्स में जब आती है और बच्चे जब उस स्पोर्ट की तरफ जाते हैं तो एक सबसे बड़ी बात आती है कि इसका फ्यूचर कितना है, इसमें कितना स्कोप है, और किधर कोई आदमी इसमें अगर अपनी लाइफ बनाता है तो वो कहाँ तक जा सकता है। सर, अब जहाँ तक अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो हर स्पोर्ट में अपना एक लेवल होता है जो आपको क्रॉस करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस स्पोर्ट में भी, क्योंकि ये नया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये
और मतलब औरों के मुकाबले इसमें कंपटीशन कम होने की वजह से आपके ग्रो करने का वो जो एक स्कोप है वो कहीं ज़्यादा है। ये सुनील उइके मंडला नहीं बैतूल मध्य प्रदेश से, ये जय सिंह यादव जौनपुर यूपी से ही, जबकि ये क्रिकेटर हैं। अब आप अगर इन लोगों से पूछिए कि क्रिकेट और ये लोग जो खेलते आए हैं उसके मुकाबले इन्होंने जब से बूमरैंग पकड़ा है इन लोगों को, ये अपने आप को कितना आगे पाते हैं वो इसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मेरा तो काम है कि हाँ, मैं हर एक शख्स को जैसे वो बाकी स्पोर्ट्स के बारे में जानता है उसी प्रकार से अपनी इस विलुप्त कला को स्पोर्ट्स की तरह जाने और उसमें हाथ आजमा करके आगे बढ़े। चलिए, आपने इनकी बात की, इनसे पूछ लेते हैं, यूपी के हैं और शायद उत्तर प्रदेश वासियों को बेहतर तरीके से और समझते होंगे। आप अभी बताया इन्होंने कि आप क्रिकेट से हैं और क्रिकेट खेलते थे, इसमें आए क्या लगता है कितना स्कोप है? इसमें तो बहुत स्कोप है जो है, जैसा कि आप देखते हैं कि देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो खेले जा रहे हैं, बहुतों के तो हम लोग नाम भी नहीं जानते, और बच्चों को भी शायद कुछ गेम्स ही हैं जिनके, या उनके पेरेंट्स को भी कुछ ही गेम्स के बारे में जानकारियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और जब भी उन्हें नए गेम्स के बारे में जानकारी हो तो उन्हें अपने बच्चों को अवश्य उसमें जो है मौका देना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। एक चीज़ और भी अभिव्यक्ति जी आपसे, नहीं, खेल जो होता है बहुत सारे खेल ऐसे हैं उसमें ढेर सारे अपने टूल्स और ढेर सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है, इसमें अगर कोई आता है तो उसको सबसे बड़े अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है? तो सर, इसको ये बूमरैंग यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कई चीज़ों के लिए एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि ये एक तरीके से इसमें अगर आप देखिए, क्योंकि हवा को रीड करना एक मेडिटेशन से कम नहीं है और ये सारा खेल हवा के ही अकॉर्डिंग वो होता है। तो एक दौड़ना हो गया, भागना हो गया, कॉन्सेंट्रेट करना हो गया, ये सारी चीज़ें जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सब आपको इसमें मिलेंगे। और उससे बड़ी बात जो ये कि जैसे अदर स्पोर्ट में आपको काफ़ी सारी भीड़ की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है कि हाँ भाई हमने गेंद को मारा है और चार लोग उसको दौड़ से पकड़ें। ये शायद मेरे ख्याल से इकलौता गेम होगा जिसमें आप अपने ही कॉम्पिटिटर होंगे, आप खुद ही फेंकेंगे और जब तक वो वापस नहीं आएगा आपको अपने आप से ही लड़ना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। आपको जहाँ जगह ओपन स्पेस मिला आपने एक ये लिया और आप पहुँच गए और इस चीज़ को करना शुरू कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस खेल को आप ऐसे इंडिया लेवल पे और विश्व लेवल पहुंचा पाए और भारत की पहचान जो है इस बूमरैंग में ही भी बाहर बने। और महाराजगंज में आपका पहला दिन है, अभी एक कंपटीशन और भी है, इस कंपटीशन की रूपरेखा भी बताएं। इस कंपटीशन में 6 कैटेगरीज को लेकर के हम लोग इस इवेंट को कर रहे हैं, जिसमें से कि 3 कैटेगरीज आज करी जाएंगी और 3 कैटेगरीज कल करेंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए हमें करीब 10 कैटेगरियों को सीखना होगा, जो कि 6 कैटेगरीज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे महारथी हो चुके हुए हैं। एक फील्ड में तो इन्होंने 42 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है, एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें इन्होंने 19 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है, ये करने वाले हिंदुस्तान के पहले खिलाड़ी होंगे अपनी अपनी फील्ड में। यहाँ से कितने बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं? यहाँ से डैनियल जोशवा जो हैं वो यहाँ से पहले कैंडिडेट हैं जो अभी वर्ल्ड कप खेलने के लिए फ्रांस जा रहे हैं। चलिए, आपने समय दिया, बात की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह बूमरैंग एक ऐसा खेल जो कि महाराजगंज में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस खेल के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर इस खेल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग माध्यमों से संपर्क किया जा सकता है, और खेल कोई भी हो वो आपके भौतिक स्ट्रक्चर को, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है और आपके सामाजिक परंपराओं को भी आगे ले जाने का मौका देता है। इस पूरे वीडियो के बारे में, पूरे इवेंट के बारे में और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या सोच है, आपके कुछ सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचाएं। जनमंच खबर हिंदमोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।